हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक जो सभी एस्पिरेंट्स करते हैं जब वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे सो दैट आप इन बातों का ध्यान रखें जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। लास्ट के 3 महीने, दिसंबर में हमारा एग्जामिनेशन है, सितंबर स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे पास क्या इतना ज़्यादा समय है कि हम कुछ भी ट्राई करें, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से चीज़ें करें? नहीं, आपको कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ उनको अप्लाई करना होगा सो दैट आप उस समय को खराब ना करते हुए अच्छे से यूटिलाइज कर सके, सो दैट आपका जो सिलेक्शन है वो इंश्योर हो सके। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, जिनका आपको खास ध्यान रखना है अपनी तैयारी के दौरान, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हैं जो कंडक्ट होती हैं। तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेआरएफएट एप्लीकेशन है, जेआरएफएट एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन और साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है। और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक लेवल अप लेके जा सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हो तो आप इन दो नंबर पे कॉल कर सकते हो। अभी हमारा जो बैच है वो रन कर रहा है, दिसंबर को टारगेट करते हुए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का बैच है कॉमर्स का। तो अगर आप कॉमर्स से हैं, अगर या आप किसी और सब्जेक्ट्स से भी हैं, लाइक हिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटी है, तो भी आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, फीचर्स आपके सामने हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, अभी हमारे पास बहुत कम समय है, तो अगर आपको लगता है कि अभी हमें तैयारी करनी है तो जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन बना लीजिए कि मुझे एक कोर्स में एनरोल होना है या सेल्फ स्टडी करनी है। उसी अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लेके चलनी होगी। और जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें आप भी कर रहे हैं तो उसको ज़रूर ट्राई करिए अवॉइड करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 10% डिस्काउंट है जो ऑफर किया जा रहा है, तो आप 10% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं अर्ली बर्ड बैच में। पेपर टू लेना है केवल पेपर टू के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर वन लेना है तो केवल पेपर वन भी आप ले सकते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो ये है कि आप जब भी तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आप सिलेबस को निग्लेक्ट कर देते हैं और जस्ट पीवाईक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, बट एक बार जो सिलेबस आपको दिया गया है उससे गो थ्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर बार मैं ये चीज़ बोलती हूँ, ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें अलग आपको पढ़नी पड़ेंगी। नहीं, आपने पेपर टू जो है वो बहुत टाइम से पढ़ा हुआ है, अपने 11th 12th में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आप इस सब्जेक्ट से फैमिलियर हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पेपर के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए, नेट एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो दी गई हैं सिलेबस में, सो दैट आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सके कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप कितना समझते हो और क्या क्या चीज़ें आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपको जंप करना है पीवाईक्यूज पे, क्योंकि हमें पता है कि पीवाईक्यूज आपके रिपीट भी हो जाते हैं। लगभग आपको 10 से 15 पीवाईक्यूज हैं जो रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। और अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो लगभग 70 से 80% टॉपिक हमारे रिपीट होते हैं। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू करना है, फिर पीवाईक्यूज पे जंप करना है, देन पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अगर आप सिलेबस को नहीं समझते हो, सिर्फ पीवाईक्यू उसको ही एनालाइज करते हो, तो आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी, और जब क्लैरिटी नहीं होगी, एक बाउंड्री नहीं बनी होगी, तो आप बिना बाउंड्री के ही बस प्ले कर रहे होंगे। तो आपको पता नहीं होगा कि कहाँ तक मुझे रुकना है और किस तरीके से मुझे कवर करनी है चीज़ें जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं। फिर इसके बाद अगर बात की जाए, दूसरी चीज़ क्या आती है कि आप अपना पोटेंशियल एनालाइज नहीं करते हो। आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा जिनके बारे में। तो आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। हम बात करते हैं, जब बिजनेस में कोई भी आप बिजनेस रन करते हो तो आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस और उन स्ट्रेंथ और वीकनेस से मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं उनके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो आपको भी अपना स्वॉट एनालिसिस करना होगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, किस यूनिट में मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, किस यूनिट में मुझे काम करने की जरूरत है और किस यूनिट में मुझे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि उसका आइडिया भी नहीं है कि कैसे क्या चीजें होंगी। तो पेपर वन और पेपर टू, दो बड़े बड़े पेपर जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा है, 10 10 यूनिट है दोनों में, तो आपको ये चीजें करनी होंगी सो देट आप
चीज़ों को रिफाइन कर सके, फिल्टर कर सके और उसके अकॉर्डिंग पढ़ सके। फिर इसके बाद आता है इग्नोरिंग द एग्जाम डिमांड। हम क्या करते हैं, हमें ये पता लग गया कि नेट एग्जामिनेशन की तैयारी होती है, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें तैयारी करनी है, कहीं ना कहीं कोर्स में एनरोल हो जाते हैं, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम ये नहीं समझते कि ओवर द टाइम एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्यों वो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और कैसे आपको उनको टैकल करना है। क्या अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो ये एग्जामिनेशन निकल जाएगा? नहीं, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। डिमांड समझो कि एग्जामिनर चाहता क्या है आपसे पूछना। कोई एग्जामिनर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना चाहता, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना चाहता, वो आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं कि आपको अगर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप किस तरीके से उसको अप्रोच करते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपके सामने बहुत सारी हर्डल्स हैं जो आने वाली हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप उन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं? पेपर वन आपकी पूरी पेडागोजी को चेक कर लेता है कि किस तरीके से एक टीचर को होना चाहिए। रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड क्या आपके अंदर है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर इतने हैं, क्या आप अवेयर हैं जो ICT टूल्स आज के टाइम पे यूज़ हो रहे हैं सो दैट आप मॉडर्न एजुकेशन दे सके स्टूडेंट्स को, क्या आपको पता है कि हायर एजुकेशन में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या आपको पता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या आप इन चीज़ों से अवेयर हैं, क्या आप बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्या आप एनालिटिकल स्किल्स हैं आपके अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेटा इंटरप्रिटेशन की हेल्प से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जर्नल पेपर जो है आपकी एक जर्नल पर्सनैलिटी को चेक करता है। फिर उसके बाद जो पेपर टू है वो चेक करता है कि आपकी डिमांड कितनी है आपके सब्जेक्ट पे, आप जो चीज़ें पढ़ाने वाले हो क्या आप उनको अच्छे से समझते हो, क्या आपके पास वो परसेप्शन है जो आप आगे बच्चों को डिलीवर कर सको। तो ये चीज़ें हैं, ये समझनी पड़ेंगी पहले। फिर उसके बाद PYQs एनालाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से पढ़ो, हर चीज़ को अच्छे से कवर करो, देन अपना एग्जाम क्वालिफाई करो। ऐसा नहीं है कि आपको बस पता लगा है और उसकी तैयारी आप करना स्टार्ट कर दो, नहीं। डिमांड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए शॉर्ट भी बनाया था कि कैसे आप डिमांड को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे है नॉट हैविंग स्ट्रक्चर्ड प्लान। आपके पास एक ऐसा फुल फ्लेज प्लान ही नहीं है कि कब आपको रिविजन करनी है, कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें लेके चलनी है, कब आप कितना टाइम आप न्यू स्टडी करने में लगाओगे, कितना टाइम रिविजन में लगाओगे, कब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, कब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यू डोंट हैव स्ट्रक्चर्ड प्लान। आप क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट ने आपको बोला कि मेरा ना ये टॉपिक में कुछ डाउट्स आ रहे हैं मुझे, तो आपको लगता है कि हाँ ये तो मैंने भी नहीं टॉपिक किया तो मुझे ये टॉपिक कर लेना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि क्या तुम्हारा ये टॉपिक हो गया, यार ये टॉपिक तो मेरा भी नहीं हुआ, ये टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं, ये टॉपिक तो मैंने सुना ही नहीं, तो आप उस पर जंप कर जाते हो। डोंट डू दिस। आप प्रायोरिटाइज करिए चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर प्लान बनाइए कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इस टाइम पे मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, इस टाइम पे मुझे एनालाइज करना है। जो आपके प्रोडक्टिव आर्ट्स है ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी हैक्स से रिलेटेड, तो जो टॉपर्स है ना वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्टिव आर्ट्स को अलग निकाल लेते हैं कि हाँ इस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से चीज़ें ग्रास्प कर सकता हूँ और इस टाइम पे बहुत अच्छा मैं पढ़ सकता हूँ, कम समय में ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। तो वही चीज़ें आपको भी यहाँ पे लेके चलनी है। स्ट्रक्चर्ड प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया सर्व कर रहे हो तो उसके लिए भी अलग से टाइम होना ज़रूरी है, किस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना है, इंस्टाग्राम देखना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, सोशल मीडिया को सर्व करना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, वो अलग बना होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा तो चीज़ें सिस्टमेटिक वे में काम करेंगी और जब सिस्टमेटिक वे में चीज़ें सारी काम करेंगी तो प्रोसेस बहुत अच्छी होगी, प्रोसेस अच्छी होगी तो रिजल्ट अपने आप बहुत अच्छा होने वाला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पुअर रिविजन प्लान। अब यही चीज़ है, रिविजन प्लान क्या होना चाहिए, आपको अभी से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू मस्ट हैव दैट मच रिविजन प्लान कि आप इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सके कि आप 3 रिविजन कर सके। ठीक है, रिविजन प्लान इस तरीके का हो कि आप पेपर से पहले एटलीस्ट 3 टाइम रिवाइज कर चुके हो जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से ही तैयारी कर दी थी, मीन्स आपको 1 या 2 महीने हो चुके हैं, तो आपका मेजर पोर्शन है जो सिलेबस का कवर हो चुका होगा, आपने रिविजन भी की होगी साथ साथ। तो अब क्या करना है आपको, लास्ट के जो 90 दिन है पहले आप 40 दिन रिवाइज करो पूरा सिलेबस। ठीक है, 20 यूनिट है आपके पास, डेली 2-2 यूनिट को रिवाइज करो, जैसा भी आपको टॉपिक वाइज जाना है टॉपिक वाइज जाके करो। फिर उसके बाद 30 दिन निकालो, 30 दिन में मॉक टेस्ट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो, यूनिट वाइज जाना है यूनिट वाइज जाओ, अलग अलग तरीके से आपको जब मिक्स मॉक टेस्ट लगाने हैं वो लगाओ। तो आपको क्या करना है, रिविजन करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अगर यूनिट वाइज जा रहे हो एटलीस्ट 100 क्वेश्चन एक यूनिट से हो। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो होगा क्या, आप जब एनालाइज करोगे तो आपको चीज़ें कुछ और ऐड ऑन करती हुई दिखाई देंगी, वो अपने नोट्स में ऐड ऑन करो। देन उसके बाद 3rd रिविजन जब आप करोगे, जब 20 दिन रह जाएंगे, तो लास्ट में वो रिविजन आपको करनी है जो आपने अभी तक सारा चीज़ें के नोट्स बनाए हैं और जो चीज़ें आपने सीखी हैं,
वो रिवीजन प्लान आपका लास्ट में बहुत कम पेजेस में आपके नोट्स हो जाने चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं, और इसी तरीके से आपको रिवीजन करते हुए चलना है। प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज को रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है। किसी और ने कुछ बोल दिया उसके अकॉर्डिंग मत चलिए, अपने जो पूरा शेड्यूल है उसको फॉलो करते हुए चलिए। फिर इसके बाद है सबसे मेजर चीज और सबसे बड़ी गड़बड़ जो अब काफी बच्चे करेंगे, और ये मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज मैंने खुद देखी है। और जब लास्ट का समय होता है ना, आप इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हो कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और आपको वो चीजें प्रोवाइड भी की जाती है। इस यूनिट में हुआ बड़ा बदलाव, इसमें ये चीज हो गई चेंज, इसमें ये चीज हो गई चेंज। अब 10 लोग वो वीडियो बना रहे हो और आप 10 लोगों की वो वीडियो देख रहे हो, तो क्या ये सही चीज है? नहीं। आपने ये चीज समझी कि हाँ, मैंने जब PYQ उसको एनालाइज किया तो मुझे चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, आप एक वीडियो देख लो, दो वीडियो देख लो, जिन टीचर से आप सिलेबस कवर कर रहे हो कोशिश करो उन्हीं की ही वो वीडियो हो, सो देट वो सेम परसेप्शन आपको मिल सके। जो वो समझा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग तो वो बोलेंगे ना कि ये चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस वो अपने टीचिंग में भी दिखाएंगे, क्योंकि वो सिलेबस के टाइम पे भी आपको शो करेंगे कि हाँ ये चेंजेस हुए हैं तो इस तरीके से करना है। बट अगर आप एक चीज के लिए डिफरेंट एडुकेटर्स को फॉलो कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आप वहाँ पे कुछ अच्छा डिसीजन बना रहे हो। वो सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और अलग अलग टीचर एक चीज को अलग अलग तरीके से समझाते हैं, सबकी पेडागोजी अलग होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। और जबकि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू के बीच में सबसे पहले तैयारी के दौरान ही आपको ये डिस्टिंक्शन क्रिएट कर देनी है कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। कोशिश करो जो टॉपिक एक टीचर से समझ रहे हैं तो उसी टॉपिक को उसी टीचर से समझना है, उस टॉपिक को किसी और टीचर से नहीं समझना है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, कोई भी टीचर जब पढ़ाता है ना तो वो एक तरीके से पढ़ाता है, एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाता है, एक फ्लो में पढ़ाता है। तो शायद आपको कोई चीज एक टीचर कोई चीज पहले करवा दे और वही सेम चीज कोई दूसरा टीचर आपको बाद में करवाएगा। जब कोई चीज आपको पहले करवा दी जाती है तो आपको ऐसे लगता है कि इस टीचर ने पहले करवा दी तो मैंने तो की नहीं, शायद मेरे टीचर मुझे ये करवाए ना, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अगर स्टार्ट करवाया तो वो एंड करवाया जाएगा। तो कोशिश करो कि एक ही टीचर को फॉलो करो स्टार्टिंग टू एंडिंग, सो दैट आपके लिए चीजें ईजी हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, आप उन टीचर से समझना स्टार्ट कर दोगे जिन्होंने अभी अभी नया टॉपिक करवाया, और जो आप एक्चुअल में कर रहे थे वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। दो नाव में पैर रखोगे तो गिरोगे भी। ठीक है, तो ये कोशिश करनी है कि एक टीचर को भी फॉलो करिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट पूरी की पूरी आपको उस टीचर से समझ नहीं आ रही है, उनकी वहां पे थोड़ी क्या है, हम बोल सकते हैं कि कमांड नहीं है उस टॉपिक पे, तो आप दूसरे टीचर को फॉलो कर सकते हो उसके लिए। जैसे अब मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट होकर बता रही हूँ। पेपर वन में अगर बात की जाए तो कॉमनली मैं बोल दूंगी हाँ, मैं 10 की 10 यूनिट पढ़ा सकती हूँ, बट जिन यूनिट्स में मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ वो मेरे लिए मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, टीचिंग रिसर्च, इस टाइप के कुछ यूनिट्स हैं। बट जिनमें मैं ज्यादा अच्छा नहीं कर सकती, मतलब बहुत मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, और ये मैंने अपनी तैयारी के दौरान भी चीजें फेस की थी, बट हाँ मैंने उसको ओवरकम कैसे किया वो चीजें मैं आपको सिखा सकती हूँ, लाइक पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन। इन यूनिट्स में बहुत सारी चीजें याद करने वाली है, तो मुझे ये चीजें याद नहीं हो रही थी, मेरे लिए बर्डन हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर किए और उनको कवर करके मैंने अपने पेपर के लिए तैयारी की। बट हाँ, अगर मैं बोलूँ कि इनमें मैं एक्सेल करवा सकती हूँ आपको, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे वो खुद भी चीजें पहले समझनी पड़ेंगी, बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करनी होगी, फिर ही मैं एक्सेल करवा सकती हूँ ना। तो यही चीज आपको करनी है। अगर मैं पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन अच्छा नहीं करवा रही तो आप किसी और टीचर पे जा सकते हो। अगर मैं रिसर्च टीचिंग अच्छा नहीं करवा रही तो आप किसी और टीचर पे जा सकते हो। हाँ, मैं मैथ्स और DI बहुत अच्छा करवा रही हूँ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आप यूनिट वाइज डिवाइड कर सकते हैं, बट ये भी मैं सजेस्ट करूंगी कि 3 से ज्यादा टीचर्स को फिर भी मत फॉलो करो। ठीक है, 3 टीचर्स बहुत है, 3 नहीं तो 4 टीचर्स बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप करोगे ना तो डिविजन नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ यूनिट्स हैं लर्न करने वाली हैं, कुछ यूनिट्स हैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो लॉजिक पे बेस्ड हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो आपको प्रैक्टिकलिटी से समझ आती हैं, जो रिलेट कर करके आप पढ़ सकते हो। तो ये बायफ्रिकेशन हम कर सकते हैं ओवरऑल, बट इससे ज्यादा करोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर इसके बाद यहाँ पे वेरियस टीचर वाला मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। इसके बाद आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, जिस टीचर से एक टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टीचर से वो टॉपिक अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद एक जो बहुत बड़ी गलती आती है स्टूडेंट्स करते हैं, वो है पुअर नोट मेकिंग। आपको कुछ टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपको 20 पेज की PDF दी तो आपने 20 के 20 पेज उतार लिए अपनी नोटबुक में, दैट इज वेरी 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 रॉन्ग। ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, पुअर नोट मेकिंग नहीं करनी है, नोट मेकिंग करनी है टू द पॉइंट, मींस इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं। आपको करना क्या है, आपको चीजें जो दी जा रही है समझाई जा रही है उनके की पॉइंट्स लिखने हैं। कैसे, पहले हेडिंग लिखो, फिर सब हेडिंग लिखो, और ट्राई करो फ्लो चार्ट में बनाने की।
फ्लो चार्ट में कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे कोई टॉपिक है, टॉपिक के आगे फर्दर सब पार्ट्स हैं, इन टॉपिक्स में फिर आगे फर्दर और सब पार्ट्स हैं, तो उनको इस तरीके से बनाने की कोशिश करो कि आपको देखते ही वो चीज़ समझ आ जाए कि हाँ ये हायरार्की में चीज़ें होती हैं और आपको ये चीज़ें लर्न भी हो जाए। कोशिश करो कि अगर ऐसे कोई चीज़ है, स्कोप की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये स्कोप है किसी चीज़ का, फिर उससे अबव स्कोप है किसी चीज़ का, उससे अबव स्कोप है, तो इस तरीके से शो करो अपने नोट्स में, सो देट आपको बेसिक आइडिया लगे कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ इसके अंदर आ रही है, इस चीज़ की ये करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो ऐसा होगा, इसमें हम करेक्टरिस्टिक्स ऐड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे NOIR स्केल है, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल और रेशियो। अब ये स्केल्स हमें पता है, नॉमिनल सबसे पहले आता है, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, फिर रेशियो, तो आप इसको इसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से शो करोगे तो आपको ईजी भी रहेगा। कोई हायरार्की है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब मैं बात करती हूँ कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का मुझे फ्लो चार्ट बनाना है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड, यहाँ पे मेमोरी लिखा, फिर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो लिख दी, रैम रोम के बारे में लिख रहे हो, ठीक है वो लिख दो, सेकेंडरी मेमोरी है उसके बारे में लिख दो, फिर आगे जो फर्दर सब पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको लिख दो, डिफरेंट टाइप्स में आती हैं उनको लिख दो। तो ऐसे हायरार्की वाइज फ्लो चार्ट बनाओगे तो बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है सारी चीज़ें। तो पुअर नोट मेकिंग से बचना है, कोशिश करनी है 20 पेज के नोट्स आपको सिर्फ 1 या 2 पेज पे बना लेने हैं, और 20 पेज के नोट्स 1 या 2 पेज पे बनाओगे, और कैसे बनाओगे फ्लो चार्ट के, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइट टाइट लिख के भर दो, बिल्कुल नहीं, बट फ्लो चार्ट बनाओ सो देट आपको चीज़ें याद रहे। फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको हायरार्की भी याद रहती है कब क्या चीज़ आई थी। अब जनरेशन की बात अगर मैं करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि 5 जनरेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती थी, किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहे हैं, किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, किस जनरेशन में हम ICs का यूज़ कर रहे हैं, कब कौन सी जनरेशन आई थी, तो आपको वो ईयर भी पता होते हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भी पता होगी, क्या क्या एडवांसमेंट हुई थी वो भी पता होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं और यही चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। और नोट मेकिंग बनाते हुए कोशिश करो कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको लिखिए, स्टैटिक पोर्शन के बाद फॉर्मूलाज हैं उनको लिखिए, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अजम्पशंस हैं उनको लिखना है, क्योंकि ये चीज़ों पे ही बेस्ड आपसे क्या है क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे, और यही चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। तो इन सारी चीज़ों को आपको उन्हें ध्यान में रखना है। तो यही मेरी तरफ से एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि क्या क्या गलतियाँ जो अक्सर एस्पिरेंट्स करते हैं और आपको वो नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड कर दोगे, इनको अवॉइड करने से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, और नेट ना कि केवल नेट आप JRF भी क्रैक कर लेते हैं। बस ये गलतियां हैं, इनको आपको ओवरकम करना होगा, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा, कोशिश करो ये गलतियां करोगी ना, और अगर कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी इससे रिड ऑफ लेना है आपको, ठीक है इससे बाहर आना है ताकि आप अच्छे से अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकें। अगर आप चाहते हो Paper 1 के लिए या Paper 2 के लिए क्लासेस लेना तो आप चैनल को विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट आपके लिए सॉर्टेड है, Paper 1 और Paper 2 की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप बैचेस में भी एनरोल हो सकते हैं, बहुत जल्द आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं बैचेस में। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, कंटेंट के साथ PYQs एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लाइक अकाउंटेंसी, फाइनेंस वगैरह इन सभी के, सो देट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उनकी। तो ये सारी ऑफरिंग्स आपको हेल्प करती हैं और आप 10% डिस्काउंट के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के आप पढ़ सकते हैं। डेली हमारी क्लासेस चलती हैं Paper 1 एंड Paper 2 के लिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।